नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देश्वा। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। विश्व प्रसिद्ध भगवान आशुतोष के 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट आगामी 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। आज ओखीमठ में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ओमकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के पश्चात केदारधाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा की गई। इस अवसर पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय सहित बद्री केदार मंदिर समिति के अधिकारी मौजूद रहे। आज ओखीमठ स्थित शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में परम्परा अनुसार विद्वान आचार्यों हक हुकूक धारियों बद्री केदार मंदिर समिति के पदाधिकारियों व स्थानीय श्रद्धालुओं की उपस्थिति में केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की। बाबा केदार के कपाट 25 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में 6:30 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर ओमकारेश्वर मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया। प्रातः 5 बजे से ही परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना शुरू की गई। बाद में पंचांग गणना के पश्चात केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई है। इस अवसर पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह, रमेश चंद्र तिवारी, तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती, वीरेंद्र असवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि 2 वर्ष कोरोना के कारण जिस प्रकार से महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता था उस प्रकार से मनाया नहीं गया, और इस साल श्रद्धालुओं के अंदर, हिंदुओं के अंदर काफ़ी जोश है महाशिवरात्रि को लेकर। और आज मैं सुबह त्रिवेणी घाट गया था तो वहाँ भी देखी मैंने, काफ़ी भीड़ वहाँ पर थी। और इस आज मैं जो आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ चुके हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन जो एनर्जी होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ बहती है, तो आज के दिन अपनी कमर सीधी रखें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अंत में सभी को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देना चाहूँगा,